Hi guys, welcome back to another video. मेरा नाम है मनी और आप देख रहे हो मिस्टर टेक इनसाइट। आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग के एक और नए फोन के बारे में एंड इस फोन को मिल गया है ब्लूटूथ सर्टिफिकेशन, जिसका मतलब है ये फोन बहुत ही जल्दी इंडिया में आने वाला है। इसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी M22। अभी रिसेंटली सैमसंग ने लॉन्च किया था M32, जो कि सक्सेसर था M31 का, एंड ये अब सक्सेसर होने वाला है M21 का, जो कि एक ऑब्वियस बात है। बट इस फोन को माना जा रहा है सैमसंग गैलेक्सी A22 का रीब्रांडेड वर्जन। एक चेंज है खाली, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, बट ये फोन काफी जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। सबसे पहले बात करें इसके डिस्प्ले की, यहाँ पे आपको मिलेगी 6.4 इंचेस की HD+ डिस्प्ले, एमोलेड पैनल है, साथ में आपको मिलता है 90Hz का हाई रिफ्रेश रेट। और ये सैमसंग शायद काफी कॉमन कर रहा है अब कि यहाँ पे आपको 90Hz साथ में सुपर एमोलेड डिस्प्ले देता है। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपको मिलता है मीडियाटेक का हीलियो G80, सेम प्रोसेसर जो M32 में है। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एकदम फ्लूइड एक्सपीरियंस, 90Hz है, एमोलेड डिस्प्ले है और सैमसंग ने दिया तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, ऐसा नहीं है। G80 इतना पावरफुल चिपसेट नहीं है कि आपको 90Hz कॉन्स्टेंटली दे पाए, तो आपको फ्रेम ड्रॉप्स, जिटर, लैग काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। अब बात की जाए यहाँ पे बैटरी की, ये एक चेंज है जो माना जा रहा है कि A22 से डिफरेंट है। यहाँ पे आपको मिलेगी 6000mAh की बैटरी इंस्टेड ऑफ 5000mAh की बैटरी जो आपको A22 में देखने को मिलती है। और फोन सपोर्ट करता है 25W की चार्जिंग, बट यहाँ पे आपको मिलेगा 15W का चार्जर विद इन द बॉक्स, जो कि सैमसंग हमेशा से करता आया, इसमें कोई नई बात नहीं है। पता नहीं कब ये चेंजेस आना चालू होंगे, कब आपको 25W का चार्जर मिलेगा। बात की जाए यहाँ पे कैमरा सेटअप की, यहाँ पे आपको मिलेगा क्वाड कैमरा सेटअप, 48MP का प्राइमरी है, 8MP का अल्ट्रा वाइड है, 2MP का डेप्थ है एंड 2MP का मैक्रो सेंसर है। बात की जाए फ्रंट फेसिंग कैमरे की, यहाँ पे आपको मिलेगा 13MP का सेल्फी शूटर, और इस प्राइस पॉइंट पे मुझे लगता है ठीक ठाक कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलता है, कुछ कंप्लेंट्स वाली बात यहाँ पे नहीं है। अब बात करते हैं द मेन थिंग, जो है इसका चिपसेट, जो कि होने वाला है मीडियाटेक का हीलियो G80। जैसे मैंने बोला, इतना पावरफुल नहीं है, ना ही इतना एफिशिएंट है कि आपकी बैटरी ज़्यादा बचेगी, ना ही इतना पावरफुल है कि यहाँ पे आप गेमिंग कर पाओगे या हैवी टास्क कर पाओगे, तो वो एक इशू है और ये काफ़ी बड़ा इशू। अगर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो आराम से स्मूथली चले, आपको कोई भी इश्यूज ना आए, और अगर आप गेम खेलना चाहो तो आप आराम से गेम खेल पाओ विदाउट एनी इश्यूज, बट यहाँ पे आपको इश्यूज देखने को मिलेंगे। आई एम नॉट श्योर सैमसंग कब यार अच्छे चिपसेट देना चालू करेगा अपने मिड रेंज फोन्स में। ऐसे चिपसेट देता है जो काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्मिंग होते हैं। अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूँ तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस वाइज काफी ज्यादा इश्यूज आने वाले हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होंगी डेफिनेटली भाई आप डिसअपॉइंट होंगे। बात करें प्राइसिंग की, तो ये फोन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो समवेयर अराउंड 12,000 to 13,000 इंडियन रुपीज, क्योंकि A32 जो लॉन्च हुआ है वो लॉन्च हुआ है 15,000 रुपए का। तो ये फोन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 13,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा फॉर द बेस वेरियंट, जो कि होगा 4GB 64GB वाला। बस इतना था इस वाली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं मिलता हूँ आपको अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।